महाराष्ट्र के नांदेड़ में पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त कोच में एक भी यात्री मौजूद नहीं था। नांदेड़ रखरखाव यार्ड में लगी पूर्णा पर्ली पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लग गई। आग की वजह से ट्रेन का एक कोच पूरी तरह जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि आग लगने के समय ट्रेन नांदेड़ रखरखाव यार्ड में लगी थी और कोच खाली था। ट्रेन में अचानक से धुआं और ऊंची लपटें उठते देख फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने रेलवे स्टाफ के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। जिस कोच में आग लगी उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता था और आमतौर पर उसे स्पेयर में रखा जाता था। आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं है और इसकी जाँच की जा रही है।